दोस्तों, भूत प्रेत जैसी अकल्पनिक चीजों का किसी सुनसान और डरावनी जगह पर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अक्सर इस तरह की कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन तब क्या हो जब मंदिर जैसी जगहों पर ऐसी ऐसी रहस्यमय बातें निकलकर सामने आने लगे जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी रहस्यमय बातें बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में भगवान है। इसलिए वीडियो में इसी तरह अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना एक पल की भी देरी किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। दोस्तों, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में केदारनाथ मंदिर को सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे शुद्ध माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता ये है कि जो कोई भी जाकर इस मंदिर में पूजा कर पाता है वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। पर इन सबसे ज्यादा रोचक बात तो ये है कि केदारनाथ मंदिर को कब, किसने और क्यों बनवाया इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। हालांकि वो अलग बात है कि धर्म और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, परंतु अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को वाकई में पांडवों ने बनवाया था या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा हुआ है। और इस मंदिर का रहस्य यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आप केदारनाथ मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आपका सिर चकराने लग जाएगा। केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हैं कि देखकर ही ऐसा लगता है मानो किसी मॉडर्न इंजीनियर ने इसे तैयार किया हो। पर ऐसा होना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये मंदिर आज से हजारों साल पुराना है। और जिस किसी भी वक्त ये मंदिर बना होगा उस वक्त आज के समय में इस्तेमाल की जाने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में बिना किसी वर्तमान टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को ऐसा बनाना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी तूफान आए या फिर कितना ही बड़ा बवंडर क्यों ना आ जाए, इस मंदिर को कुछ भी नहीं हो सकता। अभी तो 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया। यहाँ तक कि आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन पे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थीं। कितनी सारी बिल्डिंगें पानी के साथ पूरी तरह से तबाह हो गईं, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आज तक नहीं आई। पूरा का पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा। भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी से डूब गया, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, आज भी आप मंदिर को ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा ये सालों पहले बनके तैयार हुआ था। अब ये बात सुनकर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो दोस्तों जरा रुक जाइए। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त बाढ़ के समय हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। तभी उस बारिश में जब बहुत सारा पानी हो गया था, पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से निकल कर आया और केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे रुककर उसने पानी की धारा को दो भागों में कर दिया। यानी कि पानी की तेज धार जो डायरेक्ट मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसे इस विशालकाय पत्थर ने बहुत ही चमत्कारिक तरीके से दो भागों में बांट दिया, जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पानी के बहाव को नहीं झेल सकी और टूट कर बिखर गईं, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सकता था। अब आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन जब सारे बिल्डिंग्स टूट कर बिखर रहे थे तो एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। इस घटना के बाद लोगों को यह एहसास हुआ कि सच में जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों की दूरी तय करके आते हैं वो वाकई में कितना रहस्यमयी और चमत्कारिक है। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिर के तौर पर जाना जाता है। अब जो लोग केदारनाथ के दर्शन करने के लिए गए होंगे उन्हें यह तो पता होगा कि वहां पर एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि जब कोई यहाँ पर ओम का जाप करने लगता है तो उस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं। अब जाहिर से बात है, ये कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं, इसलिए बहुत से अलग अलग एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने यहाँ आकर इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पर इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद उन्हें इसका कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला। और अभी भी बहुत से वैज्ञानिक ये बात सोचने में लगे हुए हैं कि आखिर ओम का जाप करने पे ही इस कुंड से बुलबुले क्यों निकलते हैं। अगर आपको इस बात का जवाब पता हो तो हमें और हमारे दर्शकों को कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अब दोस्तों, ये बात तो आप भली भांति जानते हैं कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। पर दिमाग को हिला देने वाली बात तो तब पता चलती है जब 6 महीना ये मंदिर बंद रहता है तो यहाँ सबसे ज्यादा अजीब घटना घटती है जिसे वहाँ के लोग महसूस भी कर सकते हैं। असल में केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जब 6 महीने इस मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा VIP ही क्यों ना हो। एक बार अगर मंदिर का कपाट बंद हो गया तो वह सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है और पूरे 6 महीने मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं करता, यानी कि मंदिर के अंदर का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है और सिवाय उस मंदिर के अंदर भगवान भोले के और कोई नहीं होता।
क्योंकि एक बार जब मंदिर बंद होता है तो वो सीधा 6 महीने बाद ही दर्शन के लिए खुलता है। पर जब मंदिर का कपाट 6 महीने बाद खुलता है तो लोग ये देखते हैं कि उसके अंदर का दीपक लगातार जल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी कमरे को 6 महीने तो क्या 6 दिन के लिए भी बंद करके चले जाएंगे, तो जब उसे दोबारा से खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी और तरह तरह के कीड़े मकोड़े घूमने लगेंगे। यानी कि जिस हाल में आपने उस कमरे को छोड़ा होगा उस हाल में तो कमरा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कमरा बंद हो या फिर खुला हो, अगर हम उसमें साफ सफाई नहीं करते तो प्रकृति किसी न किसी तरीके से उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर देती है, फिर चाहे धूल मिट्टी के जरिए हो या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के जरिए। लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाले भोलेनाथ किसी जगह पे हो तो प्रकृति की क्या मजाल कि वो उस जगह के आसपास भी फटक सके। तभी तो पूरे 6 महीने बाद जब केदारनाथ का कपाट खुलता है तो वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। जिस स्थिति में पंडित कपाट को बंद करते हैं उसी स्थिति में कपाट को खोलने पर अंदर का मंदिर बिल्कुल उसी स्थिति में मिलता है। अब चलिए ये बात तो फिर भी हजम हो जाती है कि कपाट बंद करने के 6 महीने बाद जब मंदिर को खोला जाता है तो उसमें सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन 6 महीने तक लगातार बिना किसी की सहायता के दीपक का जलना सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि केदारनाथ के इस मंदिर में 6 महीने तो इंसान भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने तक दूसरे देवी देवता आकर भगवान की पूजा करते हैं, और इस बात का सबूत जलता हुआ दिया चीख चीख कर देता है। वरना क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर में 6 महीने तक एक दिया जल ही रहा है और वो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा? इस तरह का चमत्कार सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में ही हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान की असीम शक्तियां मौजूद हैं। यही वजह है कि लोग केदारनाथ मंदिर को इतना ज्यादा पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। लोगों के मन में केदारनाथ के लिए जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में अद्भुत है, क्योंकि ये मंदिर खुद बहुत अद्भुत है जिसकी तुलना हम किसी भी दूसरे मंदिर से नहीं कर सकते। हालांकि कहने को तो ये भगवान का घर है और बाकी मंदिर भी भगवान के ही घर हैं, लेकिन जो चमत्कारिक शक्तियां आपको केदारनाथ में आने के बाद महसूस होंगे वो आपको कहीं भी महसूस नहीं होंगे। मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव का हाथ सिर पे आ गया है और अब सारी तकलीफें खुद ब खुद ही मिट जाएंगे। और हम ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये किसी धर्म विशेष का मंदिर है और सभी को इसमें होने वाले चमत्कारों पर विश्वास करना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मंदिर में होने वाले चमत्कार प्राकृतिक नियमों से बिल्कुल अलग हैं, जो कि विज्ञान के दृष्टिकोण से भी काफी रोचक हैं। अब आप किसी भी धर्म से क्यों न ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो एक बार इस मंदिर में जाकर यहाँ होने वाले चमत्कारों को जरूर महसूस करिएगा, जिसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार पर चलते हैं। बाकी आप केदारनाथ मंदिर में होने वाले चमत्कारों पर कितना विश्वास करते हैं इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह के रोमांचक वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।